रही है वीडियो में। हाय एवरीवन, वेरी वेलकम वेलकम टू यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका। इंडियन वेट लॉस डाइट वीक टू का डे टू, जिस पूरे वीक में मैं ऐसी तैसी करने वाली हूँ, बट देखते हैं कौन सा दिन कैसा रहता है। ये अभी थर्ड डे चल रहा है। पहले मैं करेले आमले वगैरह का मिक्सड हर्ब्स जूस पी रही हूँ सबसे पहले। देन आई एम गोना हैव माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ डोसा, घर का बना हुआ डोसा, मैरिट वीसियो एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल में। मैं अपना खाना प्रेफर करती हूँ कुक करना, लोहे के डोसे तवे पर कुक कर रही हूँ मैं। और ताकि डोसा इस पर चिपके ना, इसके लिए हल्का सा देसी घी भी आप कोकोनट ऑयल में मिक्स करते हैं, और इन दोनों को मिक्स करने की वजह से डोसा चिपकता भी नहीं है, प्लस आपको कोकोनट ऑयल और देसी घी दोनों के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट में एक से दो डोसे खाने हैं मैक्सिमम अपनी एपेटाइट के हिसाब से। ज़रा सा सांभर लेके नारियल की चटनी घर पे बनी हुई हो। 2 घंटे बाद मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम है, जिसमें मुझे पाइनएप्पल खाना चाहिए था, बट मैंने घर पे थोड़ा सा पीना कोलादा बना लिया जिसमें पाइनएप्पल जूस और कोकोनट मिल्क होता है, बट ठीक है उतना अनहेल्दी नहीं है। फिर आती है लंच की बारी, जहाँ मुझे खानी चाहिए थी 1 रोटी और 1 सब्ज़ी अगर प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, बट यहाँ पर मैंने 1 रोटी और 2 सब्ज़ी ली हैं। 1 पेठे की सब्ज़ी है, 1 मशरूम की सब्ज़ी है, साथ में नींबू वाले प्याज हैं, बिकॉज़ मेरे घर से खाना आया था मायके से, तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो खाना बनता था ना, बट ठीक है चलेगा। अब बिल्कुल छोटू वाला एक ग्लास कोल्ड कॉफ़ी का मैंने पी लिया है आफ्टर 2 आवर्स मिड आफ्टरनून स्नैक में। और फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर चिकन बिरयानी अपने हस्बैंड के लिए, बट अब हस्बैंड के लिए बनाई है तो खुद भी थोड़ी तो खाऊंगी ही ना। बिरयानी के बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। फिर इवनिंग स्नैक का जो प्रॉपर टाइम आ रहा है, उसमें मैं 1 मुट्ठी चना खा रही हूँ, लेकिन इसके बाद में मुझे जिम में जाके हैवी वर्कआउट भी करना है, तो इतने से चने से नहीं चलेगा। एंड आई एम वेरी हंग्री, और हमें अपनी एपेटाइट की कभी कभी सुन लेनी चाहिए है। अगर एपेटाइट आपकी सही बताती है तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है, बट हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं सुननी होती। तो मैं एक छोटा सा बनाना खा रही हूँ, और फिर जिम में कार्डियो करेंगे पहले, फिर हम थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, एंड देन फिनिशर के लिए यहाँ पे हम लोग साइकिल चला रहे हैं। और फिर आती है डिनर की बारी, जिसमें थोड़ी सी चिकन बिरयानी और रायता खाना है, बट ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टी बना दी थी मैंने पहली बार में, शायद शौक शौक में, तो थोड़ी ज़्यादा खा ली, वो गलती कर दी। कम क्वांटिटी में खाना चाहिए खाना धीरे धीरे चबा के। देन फिर बिरयानी खाने के 2 घंटे के बाद, मैंगोज़ का सीज़न है तो मैं तो रह नहीं पाती हूँ, तो मैं एक ये छोटू सा मैंगो खा रही हूँ, 250 ग्राम्स का सिर्फ। ये देवगढ़ से आते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। www.manjika.com पे आपको मिल जाएंगे। ये बिल्कुल भी वीडियो पेड नहीं है, बट दीज मैंगोज़ आर लाइक सो गुड, एंड मैंगोज़ आर वेरी गुड फॉर हेल्थ एज वेल। आप रोज़ाना एक मैंगो अगर खाते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब बारी आ जाती है अगले दिन की, यानी कि 11 मई की। अभी तक वेट नॉर्मल सिंपल चल रहा है, वही मेंटेन्ड वाला चल रहा है। सुबह मैं पी रही हूँ फिर हर्ब्स वाला जूस, थोड़ा सा मैं खा रही हूँ साथ में आमला। फिर अब बची हुई रात को कभी रोटी हो ना, उसे फ्रिज में रख दो और उसके बाद दिन में बना लो उसका रोटी पिज्ज़ा। रेसिपी दे दूँगी, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। रोटी पिज्ज़ा इज़ काइंड ऑफ वेरी हेल्दी एज़ कम्पेयर टू अदर पिज्ज़ाज, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बनाना बहुत ईजी होता है, सिंपल होता है, घर पर खाने में टेस्टी भी बहुत लगता है। देन आई एम गोना हैव माय मिड मॉर्निंग स्नैक 2 घंटे बाद, जो मैं पी रही हूँ नींबू पानी, जस्ट 1 टीस्पून ऑफ शुगर इसमें ऐड किया है और ज़रा सा काला नमक। फिर 2 घंटे के बाद लंच टाइम, लंच में मैं 1 रोटी खा रही हूँ, पेठे की सब्ज़ी खा रही हूँ। फिर इसके 2 घंटे के बाद बारी आती है हमारे मिड आफ्टरनून स्नैक की, जिसमें अब मैं वाटरमेलन खा रही हूँ। वाटरमेलन पे मैंने चाट मसाला ऐड किया है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। बिना नमक मसाले के प्रॉपरली फ्रेशली कट फ्रूट खाना चाहिए तमीज़ से। देन बारी आ जाती है इवनिंग स्नैक की 2 घंटे के बाद में, जिसमें मैं एक छोटी सी कटोरी अनार की खा रही हूँ और साथ में 5 भिगे हुए बादाम खा रही हूँ। अब इवनिंग स्नैक यहाँ पे हो गया था, इसके बाद कुछ खाने की नहीं ज़रूरत थी, बट टाइम बहुत लेट हो रहा था, ज़्यादा हो गया था, फिर जिम भी जाना था, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गई है। जो आलू वाला एक ग्रिल सैंडविच खाया जो बहुत टेस्टी होता है, इसके बाद जिम जा रही हूँ तो कैलोरीज तो वो बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन फिर वेट लॉस नहीं हो पाएगा, यहाँ वेट मेंटेन वाली चीज़ आकर के अटक जाएगी। बेसिकली अभी तक के जो 2 दिन में डाइट के दिखा रही हूँ ना, ये ख़राब नहीं है, बट ये वेट लॉस के लिए उतने परफेक्ट नहीं है। या तो क्वांटिटीज़ बहुत कम हो, या फिर इनसे वेट मेंटेन हो पाएगा, या वर्कआउट बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब वर्कआउट के बाद डिनर में वही कल की चिकन बिरयानी थोड़ी रखी हुई थी, तो बस थोड़ी सी चिकन बिरयानी और रायता, और फिर वही 2 घंटे के बाद सोने से 1-2 घंटे पहले का भी टाइम है, थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है और आम खाने का मन कर रहा है, तो इसके लिए एक मैंगो खा रही हूँ।
वैसे प्रेफरेबली रात के टाइम ना खा करके आप शाम के टाइम मैंगो खा सकते हैं, रात को हल्दी वाला गर्म दूध पी सकते हैं। फिर 12th May 2023 वेट 64.10 kg हो गया, हल्का सा बढ़ भी गया है। फर्स्ट मील ऑफ द डे बनाना खा रही हूँ मैं, देन मैं घर की बनी पाव भाजी खाऊंगी जो कि हेल्दी है, कम बटर में बनाई गई है। और पाव भाजी मैंने सबके लिए घर में ब्रेकफास्ट में ब्रंच में बनाई थी, लेकिन फिर मैंने खुद ब्रेड के साथ खाई कि थोड़ा आटा मैदा जो भी ये चीज़ है ये सारी मेरे अंदर कम जाए। देन फिर इवनिंग स्नैक में मैंने खाया एक मैंगो, मेरे पूरे इस डाइट वीक में कितने मैंगोज़ हैं ना। एंड इसके बाद में मैं गई अपने हस्बैंड के साथ घूमने हौस खास में, फिर वहाँ पे हमने शाम को खाई थोड़े से चाउमीन, थोड़े से हनी चिली पटेटो। हौस खास में बिल्कुल छोटा सा आउटलेट था और बहुत ही टेस्टी चाउमीन और हनी चिली पटेटो थे। फिर रात को आकर के काफ़ी लेट टाइम हो रहा था, हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो हमने ज़रा ज़रा सी मैगी खा ली थी और एक दो कॉकटेल्स हौस खास में सोशल में पिए हुए थे, और फिर एक आधा घर पर भी पी लिया। बट हाँ, कॉकटेल्स अवॉइड करके वाटर में वोडका या वाटर में विस्कीज़ एनी डे बेटर। अब इस वाले दिन मैं सारी चीज़ें खाई हैं लेकिन कम कम क्वांटिटी में खाई थी, तो अगले दिन वेट मेंटेन है, 64.05 kg आ रहा है। अब आई थिंक ये कोई वीकेंड वाला दिन होगा, संडे या कुछ की, तभी मैं सुबह उठ करके थोड़ी चाय पी रही हूँ। बस मैं आधा कप चाय पी रही हूँ, साथ में मैं एक दो बिस्किट खा रही हूँ, विच इज़ नॉट समथिंग आई रिकमेंड, बट हफ्ते में एक आध दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाय पी सकते हैं नाश्ते के साथ, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बट बिस्किट्स पैकेज्ड वाले अवॉइड करने चाहिए हैं। और फिर ब्रेकफास्ट में मैं दो आटे वाली ब्रेड और भाजी खा रही हूँ, बिकॉज ये रखी हुई थी और खाना क्यों वेस्ट। और फिर मैं गई अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ और दोनों मम्मियों के साथ मदर्स डे की शॉपिंग के लिए लाजपत नगर, तो वहाँ मैंने एक चुस्की खाई पहले, फिर मैंने बाद में एक और चुस्की खाई, चार पांच मैंने लेमन वाले ड्रिंक्स पी लिए, बिल्कुल ज़रा सी चाउमिन खाई, एक बाइट भटूरे छोले, एक दही पापड़ी, बस ऐसी ज़रा ज़रा सा सबके साथ मिलजुल के खा लिया। वेट आ रहा है अब 63.8 kg, ठीक ही है, चलो बड़ा नहीं है, कम आ रहा ऊपर से। 14th May 2023 को स्टार्ट करते हैं अच्छे, उससे 5-6 भिगे हुए मुनक्का खा रही हूँ मैं। बट आज है मदर्स डे, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो बहुत हेल्दी तो नहीं हो पाएगा, प्लस हमारे घर पर बहुत गेस्ट आए थे तो फिर थोड़े से नूडल्स खाए थे मैंने, थोड़ा सा पास्ता खाया था, ज़रा सी गार्लिक ब्रेड, नहीं गार्लिक ब्रेड तो नहीं खाई थी मैंने, और कुछ ना कुछ ज़रा सा मतलब सबके साथ मिलजुल के खाया होगा जो भी। फिर मैंने खाया इवनिंग स्नैक में मैंगो, फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिला था कुछ खाने का, अब सीधा रात को ही खाना हो पा रहा है बिकॉज़ मदर्स डे है, और मदर्स डे है तो एक तो कॉकटेल्स भी थी, ज़रा सा बिल्कुल ज़रा सा चिकन वाला कोई स्नैक खाया था, बिल्कुल ज़रा सा नूडल, बिल्कुल ज़रा सा फिर मैं खा रही हूँ पास्ता, एक पीस पाइनएप्पल केक का खाया था मदर्स डे वाला, फिर अब मैं खा रही हूँ एक समोसा। तो अल्टीमेटली डाइट की वाट तो लगी गई है यहाँ पे, बट दिस इज़ हाउ रियल लाइफ वर्क्स, कितनी डाइटिंग की कोशिश करो बीच में चीटिंग्स तो भाई बहुत बार हो ही जाती है। 15 मई को वेट आ रही 64.88 kg, जो कि अब बढ़ गया है, अब नाउ दिस इज़ अलार्मिंग, बट आज भी मैं ट्रैक में नहीं आ रही हूँ, एक दिन बाद आऊँगी। अभी फर्स्ट मील मैंने खा लिया एक बनाना, देन फिर मैंने ब्रेकफास्ट में खाया ज़रा सा पास्ता, फिर बिल्कुल पतले पतले 2-3 पीसेस ऑफ गार्लिक ब्रेड जो कि घर पे बनाए हुए हैं। इनकी रेसिपी चाहिए हो, ऐसी किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करो, अगर 3-4 लोग एक सेम चीज़ की रेसिपी मांगेंगे तो आई एम श्योर मैं पोस्ट कर ही दूंगी। फिर तो थोड़ा हेवी हो गया ना ब्रेकफास्ट, थोड़ा कम खाना चाहिए था। देन फिर मैं सो गई थी 3-4 घंटे के लिए, थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, तो लंच मैंने करा 4 बजे, एक रोटी और बैंगन का भरता। फिर शाम के टाइम लेट इवनिंग में मैंने खाया बस एक मुट्ठी चना, और फिर क्योंकि तबीयत उतनी सही नहीं थी तो डिनर में मैंने खाई खिचड़ी, जिस पर ज़रा सा देसी घी का तड़का लगाया और साथ में अचार खाया। वैसे भी खिचड़ी इज़ लाइक रियली गुड फॉर हेल्थ, वैसे भी खा लेती हूँ मैं, बीमार ना भी हूँ। एंड देन कुछ 2 घंटे के बाद में आई एम गोना ईट 1 small sized मैंगो। अब इतनी चीटिंग्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने बिल्कुल रियल वाला रियल अपना वीडियो पूरा आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।